तो गाइस आप देख सकते हो कितनी सुंदर आपको कांवड़ दिखाई दे रही होगी। तो गाइस आप देख सकते हो ये बाबा भोलेनाथ का भक्त दंडवत आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हूँ मेरे अलबेले दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने इस नए व्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई ऋषि, और आप देख रहे हैं अलबेला ऋषि व्लॉग। गाइस सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। और आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बार फिर से अपने मेरठ शहर के अमरनाथ मंदिर की तरफ, और देखते हैं हमें वहाँ कितनी भीड़, कितना क्राउड भक्तों का देखने के लिए मिलता है। तो आइए चलते हैं अमरनाथ मंदिर की तरफ। ये यहाँ पर आप देख सकते हो भैया ने बच्चों के खेल खिलौने के लिए दुकान लगा रखी है। यहाँ पर आपको बच्चों के खिलौने बहुत दिखाई दे जाएंगे। और क्या नाम है भैया? आकाश। कहाँ से? सदर। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो आकाश भाई की दुकान है ये, और बच्चों के लिए बहुत खिलौने की वैरायटी आपको दिखाई दे जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये ढोलक भी दिखाई दे जाएगी। और ये हमारे भाई, क्या नाम है भैया आप? पहला आप नाम? अजीम। कहाँ के हो? मेरठ की हो, लोकल की हो? अच्छा, तो ये आपने, मैं देख रहा हूँ केवल ढोलक ही रख रखे हैं यहाँ पर। अच्छा पूरा, अच्छा उधर गाइस आप देख सकते हो उधर आपको सारी ढोलक दिखाई दे जाएगी। अच्छा तो आप थोड़ी बजा के तो दिखा दो चाहिए कैसे बजती है। अच्छा स्टिक भी होती है इसकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या हो भोले बाबा की। बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। और ये आप देख सकते हो गाइस कितनी भीड़ आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। आप देख सकते हो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये भंडारे की लाइन है। ये बाबा भोलेनाथ का भंडारा चल रहा है। ये बाबा भोलेनाथ के श्रद्धालु, हर हर महादेव। भाई आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद की दुकान दिखाई दे जाएगी। कितना क्राउड आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप देख सकते हो। ये मंदिर के बाहर आप नज़ारा देख रहे हो, जो कोई सा भी रास्ता आप देख सकते हो जो मंदिर की तरफ आता है, आपको वहाँ भोले के भक्तों की भीड़ ही भीड़ आपको दिखाई दे जाएगी। सर आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गाइस भोले के भक्त
अगर पसंद आ रही है तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी सुंदर आपको कांवड़ दिखाई दे रही होगी। ये बाबा भोले के भक्त हैं। जा भोले की। तो भोले कहाँ से ले गए हो कांवड़? ब्रजघाट से। ग्रुप में लाए हो? कमेटी में। क्या नाम है भोले? अच्छा, आपका क्या नाम है? रोहित राठौर। तो गाइस आप देख सकते हो ये रोहित राठौर भाई ये ब्रजघाट से बाबा की कांवड़ लेके आए हैं। बहुत ही सुंदर ये कांवड़ है। जय भोले की, जय भोले की। ये मेरे भाई बहुत दूर से हाथ हिला रहे थे। और कहाँ से आए भाई? हम आज शास्त्रीनगर से। शास्त्रीनगर से कितनी देर से खड़े हो लाइन में? ढाई घंटा हो गया। चलो ढाई घंटा हो गया तो और जल्दी आ जाएगा। कब भोले कब से लग रहे हो लाइन में? कितनी देर होगी? तो हो गया 3-4 घंटे। मैं कल से खड़ा हूँ। कल से खड़ा है? कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएगा नंबर। मैंने बात कर लिया। हर हर महादेव। अब देख सकते हो गाइस कितनी लंबी लाइन है। और जा बोलेगी, क्या बोलेगी? बहुत लंबी लाइन है। कोई बात नहीं। जय बोलेगी। हर हर महादेव। आवाज नहीं है, जोर से लगाओ। जोर से दे। हर हर महादेव। बोले होते हुए भी शर्मा रहे हो। हम शंकर भगवान जय। गाइस ये भी एक लाइन लग रही है यहाँ पर, बोले के भक्त बैठे हुए हैं। लंबी लाइन है और श्रद्धालु आ रहे हैं और अब भी लाइन में लग रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। बाबा भोलेनाथ का भक्त दंडवत आ रहा है। और राहुल भाई कैसे हो? भैया भैया जी, जय 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 ज
लाइव चलने से पहले आप सभी को एक बार फिर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्लॉग में इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव। जय श्री सुंदर।